ये इसके अंदर मैगी फिल्टर। नहीं 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 सबसे पहले ये बताओ कि आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है या फिर बर्गर? मुझे बर्गर पसंद है। मुझे पसंद है पिज्जा, बट आज होने वाला है अनुकृति का दिन। तो आज हमने ऑर्डर किया है बर्गर किंग का सारे ही करंट मेन्यूज। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत जोर से भूख लगी है। सो हम ट्राई करने वाले हैं बर्गर किंग का वेज मक्खनिया बर्स्ट। वैसे मुझे ना पिज्जा पसंद है और पिज्जा में चीज बर्स्ट होता है, इसमें मक्खनिया बर्स्ट है। तो देखते हैं, इसमें मक्खन मार के बर्गर होना चाहिए बेसिकली ये, और इसमें लिखा हुआ है टैंगी सॉसी जो कि सब में लिखा रहता होगा। एनी वेज वैसे ये ना 50 रुपीज का है सिर्फ, सो कैसा भी होगा अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि 50 रुपीज में काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। बहुत ज़्यादा टमेटो ही खुशबू आ रही है इसकी, यू नो टमेटो, आई डोंट नो इफ इट इज़ अ वर्ड। एनीवेज, सो इसमें है पैटी जो कि स्क्वायर है, पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए किया, ताकि यू नो थोड़ा सा फैसिनेशन हो लोगों की, वाओ यार इसमें तो यू नो स्क्वायर पैटी है। और सच में मुझे वो फैसिनेशन हो भी रही है। और इसमें है अनियन और नाम का पता नहीं, अनियन में तो महंगा भी नहीं है, नींबू नहीं है ये, अनियन है फिर भी कम डाल दें। एनीवेज टेस्ट करते, स्मेल सेट इज वेरी टैंगी, पता है क्या, अरे इसका स्मेल तो बिल्कुल पिज्जा सॉस जैसा लग रहा है। हाँ बहुत मस्त है यार, मेरे साथ तंदूरी का जो ये फ्लेवर है ना सॉस वाला का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। डोंट नो व्हाई, बट मुझे शुरू से हैबिट है कि मैं ना बर्गर को केचप के साथ खाती हूँ, और अभी ना ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, यू नो तो आई वॉन्ट कोल्ड ड्रिंक विद दिस, यू नो कॉम्प्लीमेंट्री। बट हम लोग इसको किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल फैक्टर डाल के इसका टेस्ट इन्हेंस नहीं करना चाहते, ताकि हम बायस हो जाए। फिर हमें क्या मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री? नहीं मिलता तो हम ले अलग से तो ले सकते हैं ना। स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, इनफैक्ट 50 रुपीज़ के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा वर्थ। बर्गर क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी नाइस, मीन्स वो सेस्मे वाला बर्गर डाला हुआ है, हाँ चश्मे वाला बन डाला हुआ है बर्गर में। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि आपने क्या ये कभी ट्राई किया है, और अगर किया है तो आपको कैसा लगा? मुझे ना काफ़ी अच्छा लगा, मीन्स जो बेसिक बर्गर होता है ना मैगडी का, जो आलू टिक्की, हाँ आलू टिक्की मैक आलू टिक्की जो होता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उसका जो मसाला है ना वो थोड़ा सा मसालेदार है, सो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। मसाले ग्रेवी है, ग्रेवी सॉस सॉस जो है वो मसालेदार है। सो मैं इसको रेट दूंगी 7 out of 10, बिकॉज मेरा दिल बहुत बड़ा। That's a good score. मैंने बड़े दिल से बर्गर को एक्सेप्ट किया है, बट बर्गर इज नाइस। अब हम ट्राई करने वाले हैं बर्गर किंग का वेज क्रंची वोल्केनो। वैसे इसका पे नाम लिखा हुआ है सॉसी एंड क्रंची, कुछ नाम नहीं लिखा है, इसका नाम है वेज क्रंची वोल्केनो, और काफ़ी ज़्यादा क्रंची क्रंची होना चाहिए इनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। हाँ लिखा है, नाम लिखा, उन्होंने रैप उल्टा किया है, मैंने पहली बार देखा कि बर्गर किंग या मैकडॉनल्ड्स में रैपर उल्टा लगाया हो। वेज क्रंची वोल्केनो सीज़ ना ही लिखा है यहाँ पे, लिखा है ओ हो लुक एट दिस। पता है क्या, मुझे मेनली ये इसीलिए पसंद है क्योंकि इसका जो ये ऊपर का क्रस्ट है ना वो बहुत क्रंची होता है यार, मतलब आई डोंट नो कि ये लोग कैसे बनाते हैं, या तो ये लोग काफ़ी देर बेक करते हैं 1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे स्लो मतलब धीमी आंच पे 1 घंटों तक बेक कर रहा था, क्योंकि बहुत क्रंची है यार, ठंडा है ये, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन फिर भी क्रंची है। हाँ आई लव क्रंची थिंग, और इसमें से मतलब कि उछल उछल के बाहर लेटस आ रहा है, सी लुक एट दिस, लेटस इसमें से काफ़ी सारा दिखाई दे रहा है आपको, उसके अलावा कुछ खास दिखाई दे रहा है। इट इज क्रंची, इट इज़ वेरी क्रंची, इसमें ज़्यादा कुछ सच में नहीं है लेटस और मेयोनीज के अलावा, लेकिन शायद थोड़ा सा आलू भी है जो कि मैं देख नहीं पा रही हूँ, आपको अगर दिख रहा तो बताओ मुझे, मुझे अभी भी सिर्फ लेटस और मेयोनीज ही दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्रंची है। और हाँ मुझे ना नॉर्मली जितने भी क्रंची रैप्स या होते हैं ना उसे काफ़ी पसंद है, जो नॉर्मल रैप होता है ना जिसमें कि ग्रिल मार्क्स भी होते हैं, वो ग्रिल मार्क इसमें भी है लेकिन वो अंदर है, मतलब कि इन्होंने जो वो रैप बनाते हैं ना उसी को ट्रांसफॉर्म करके ये क्रंची वाला वोल्केनो रैप बना दिया है ना, या हो सकता है कुछ और करते हो बट पता नहीं। हाँ हाँ एग्जैक्टली, मुझे कुछ भी फिल करके दे दोगे तो उसको अच्छा लगेगा। नहीं मतलब ऐसा भी नहीं थी, अनुकृति घर में बनाएगी ये, इसके अंदर मैगी फिल कर। नहीं 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 सी इट इज क्रंची,
एनीवेज मैं इसे मार्क्स दूंगी 10 में से 7. मुझे सच्ची में अच्छा लगा, पता नहीं 10 किसको मिला. सो चलो ट्राई करते हैं बर्गर किंग का क्रिस्पी वेज रैप. ओ माय गॉड, थोड़ा सा सॉफ्टर, ऐसा नहीं है कि आप एकदम वहां पे बैठ के खाओगे तो एकदम गरम गरम होगा तो फिर वो क्रिस्पी होगा. ये थोड़ा सा सॉफ्टर साइड ही होता है. और इसमें ग्रिल मार्क्स भी है, इधर भी है थोड़ा सा, देखो. और इसके अंदर है बहुत सारा चीज, नॉट चीज, CHEE, हाँ जी हाँ, इंग्रेडिएंट, सामग्री. तो इसके अंदर है पैटी, एक पैटी है जो कि हाफ तोड़ के हाफ ऐसे ऐसे डाला हुआ है. एक्चुअल में ये एक ही पैटी है, देख के आपको दो लग रहा होगा. और इसमें है अनियन, और पैटी के अंदर से मुझे दिख रहा है मटर. सो और इसमें बहुत सारा सॉस लगाया हुआ है. मीन्स मुझे ना कोई भी बर्गर किंग में या फिर मैकडी में जो ये सॉस डाला हुआ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. इनफैक्ट आई एम अ यू नो काइंड ऑफ रैप लवर, लाइक सीरियस आई लाइक एवरी रैप. मीन्स क्या ही खराब कर दोगे. मीन्स मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ मिला के अगर आप रैप बनाओ ना, तो वो अच्छा ही लगता है. अच्छा ही लगता है, पता नहीं क्यों. मैं बनाती हूँ एक बार. अरे नहीं, मैं सचमुच बोल रही हूँ. मीन्स मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अगर आप घर में जो मुझे सब्जी पसंद नहीं है उसके साथ भी अगर रोटी में अगर डाल के उस पर सॉस, उस पर मेयोनीज ये सब डाल के खाओ ना, तो मस्त लगने लगता है. आई लव रैप्स. मेरे ख्याल से ये मटर का ही पैटी है जो टेस्ट. हाँ वो तो हो गई, पोटैटो तो हो गई. बेचारा वाओ, बहुत मस्त है यार. काफ़ी मसालेदार है ये, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक बाइट खाया मैंने, इट फील्स लाइक बूस्ट ऑफ फ्लेवर. सीरियसली बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा मुझे. आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा. और वो भी यू नो जब आप एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइप का चीज़ खा रहे हो ना, तो उस टाइम पे नॉर्मली सबसाइड हो जाता है. बट ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है. हमें सब कुछ खाया हुआ है पहले, बट यू नो ऐसे कंपैरिजन वाले रिव्यू वाले मोड से हमने नहीं खाया. सो अभी हमें देख के ऐसे बारीक बारीकी देख रहे हैं हम लोग इसका. सो काफ़ी ज़्यादा है, मुझे अभी मैं खाया तो मुझे फील होता था स्पाइसी भी है यार. मतलब नहीं सच्ची में दिखा है, इसको तो नहीं लगेगा, लेकिन सच्ची में स्पाइसी है. इसमें थोड़ा सा खट्टा मीठा टाइप, खट्टा टाइप स्पाइसी है. नहीं टंग पे आपको फील होगा, टंग पे खट्टा फील हो रहा है. नहीं हट, इसको कोई भी चीज तीखा नहीं लगता है. नहीं ये सचमुच स्पाइसी. मीन्स अगर आपको थोड़ा स्पाइसी ज्यादा लगता है ना, थोड़ा सा स्पाइसी लगेगा. सो मुझे बहुत 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 ज्यादा मजा आ गया ये. बोलती हूँ अगर आपको स्टर्न मेन्यू का कोई रैप ट्राई करना है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. और मैं इसे ग्रेड करूंगी 8 में से 10. 8 में से 10? तो अभी मैं ट्राई करने वाली हूँ बर्गर किंग का टिक्की ट्विस्ट बर्गर. ये है देखो, ये वैसे मेरे ख्याल से ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बर्गर किंग के स्टनर मेन्यू में. वैसे मुझे इसकी काफ़ी पसंद है. तो खोल के देखते कि कैसा है. वैसे इसका प्राइस है 50 rupees. लुक एट दिस, गिरा मत देना. इसके अंदर ना ये वो जो क्रिस्पी फ्राइज डालते हैं लोग, फ्राइज नहीं है ये, जैसा नहीं हमारे घर पे वो बनाते हैं निमकी, नमकी निमकी क्या बोलते हैं, निमकी बोलते हैं ना, वो वैसे ही बना के डाला हुआ है इसके अंदर. और ये टिक्की है स्क्वायर स्क्वायर, देख के लगता है कि पनीर है, लेकिन ये पनीर नहीं है, ये वेज का ही टिक्की लग रहा है मुझे. देखे तोड़ के देखते हैं, वेज का ही है, आलू का टिक्की है. लेट्स ईट. मेयोनीज की मात्रा जो नहीं आता है मैकडोनल्ड्स का मैक्सिकन बर्गर, उससे ज़्यादा है. ज़्यादा है? और काफ़ी ज़्यादा है. सी काफ़ी है. अनियन कितना सारा है? हाँ अनियन में थोड़ी सी कंफ्यूजन करती है. आप मुझे बताओ कि आपको अपने बर्गर में टोमेटो पसंद है? अगर पसंद है तो अच्छी बात है, नहीं तो. वैसे मुझे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत अच्छा कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन अच्छा है. 50 rupees के सबसे काफ़ी अच्छा है. अगर आपको बर्गर पसंद है, मुझे भी बर्गर बहुत पसंद है, लेकिन इट इज़ नॉट समथिंग कि बहुत मज़ेदार चीज़ है कुछ. ओके ओके सर, है ना. और ये बात अच्छी है कि इन्होंने कम से कम बन अच्छा वाला यूज़ किया. बन ने ऊपर इन्होंने डाला है सेसमे सीड, तो मतलब कि बन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है. आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों ने अगर बर्गर किंग का स्टनर मेन्यू ट्राई किया है तो आपका फेवरेट कौन सा है इसमें से. 10 में से मैं इसे दूंगी 4.
नहीं मुझे दूसरी चीज दूसरे बर्गर भी पसंद है ज्यादा। सो गाइज आज के सारे ही बर्गर्स और रैप्स हमने ट्राई कर लिए है, आप हमें बताओ कि आपका फेवरेट इनमें से कौन सा है। हाँ जरूर कमेंट करके बताना, और ये भी बताना कि इनमें से कौन सा आपने ट्राई किए हुए और कौन सा आपने ट्राई नहीं किए है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, नमस्ते।